हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सीवेज ट्रीटमेंट। अपने नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीवेज का ट्रीटमेंट जो लार्ज स्केल पर होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, वो जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें मेनली जो होता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है। और व्हेन द सीवेज अराइव्स द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इट इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल मीन्स फ्लोइंग, डाइल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन टू रिमूव इट्स कोर सॉलिड मटेरियल्स। द सीवेज इज पास्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ फिल्टर्स of graded openings and then allowed to flow through sedimentation units. Coarse solid materials are concentrated in and collected from sedimentation units. These particulate materials are collectively called sludge. Following sedimentation, the sludge and liquid effluents are प्रोसेस्ड सेपरेटली ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से मैकेनिकल होता है, इसमें सेडिमेंटेशन टैंक होता है या बेसिन होता है, जिसको कि हम सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं। वहाँ पर फ्लोइंग के थ्रू, डाइल्यूशन के थ्रू या सेडिमेंटेशन के थ्रू वहाँ पर कोर्स सॉलिड मटेरियल जो होता है सीवेज का, उसको जो है हम रिमूव करते हैं। और इसमें जो है सीरीज में फिल्टर, कई तरह के फिल्टर का यूज करके सेडिमेंटेशन ट्यूब में, यूनिट में, फिर कोर्स सॉलिड मटेरियल को कंसंट्रेटेड करते हैं और कंसंट्रेटेड करके उसको हम कलेक्ट करते हैं। और जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है सेडिमेंटेशन यूनिट का, उसको कलेक्टिवली हम स्लज कहते हैं। और फिर इस सेडिमेंटेशन के बाद इस स्लज और लिक्विड को अलग अलग प्रोसेसिंग की जाती है, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि पहले से, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट सीवेज को माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू जो है बायोडिग्रेड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। ये ट्रीटमेंट जो होता है मेनली 2 इम्पॉर्टेंट फेज के थ्रू होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक फेज के थ्रू। एरोबिक फेज में क्या करते हैं कि इसमें एरोबिक डाइजेशन स्लज का कराया जाता है, जिसमें कि वेरियस फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू। और एनएरोबिक फेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज को। तो एरोबिक फेज में सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें जो है मेनली 3 प्रोसेस होती है, जिसमें कि एरोबिक डाइजेशन ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू होता है, एरोबिक डाइजेशन ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के थ्रू होता है, एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू हम एरोबिक डाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिकलिंग फिल्टर में मैंने कल बताया था कि ये ट्रिकलिंग फिल्टर है, इसमें हम वेस्ट वाटर यहाँ नीचे सरफेस से अंदर एंटर कराते हैं और यहाँ से जो है एयर एंटर करता है, एयर से ऑक्सीजन इसको मिलती है। क्योंकि अगर ये एरोबिक डाइजेशन के लिए, एरोबिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो बायोडिग्रेडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अच्छी ग्रोथ और मल्टीप्लाई होने के लिए अच्छा एटमॉस्फियर मिल सके, जिससे कि वो आसानी से फिल्टर या टैंक में, वो इस तरह के फिल्टर या टैंक डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ से, वहाँ पर उन्हें सही मात्रा में टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि ये दोनों ही एरोबिक डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एरोबिक डाइजेशन में अगर टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पर जो होगा माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वहाँ पर बहुत ही स्लो होगी, और अगर ऑक्सीजन लैक होगा या कम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कम होना माइक्रोब्स की एरोबिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो इसलिए एरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है मेनली 3 तरीके से होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू,
ऑक्सीडेशन पॉन्ड के थ्रू, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू। ट्रिकलिंग फिल्टर में एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर पहुंचता है और यहां से स्लज इफ्लुएंट ऊपर जाता है और इन बेड्स के थ्रू अंदर एंटर करता है सीवेज वाटर, जिसको कि वेस्ट वाटर कहेंगे। ये वाटर जो है नीचे बेड जो होते हैं ये ग्रेबल सैंड के बने हुए होते हैं। जो ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है 6 to 10 feet डीप बेड क्रस्ट स्टोन ग्रेबल स्लैग इस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं। ये सीवेज इफ्लुएंट जो होते हैं सरफेस के बेड के ऊपर से स्प्रे किए जाते हैं। जब स्प्रेइंग जब होती है सैचुरेट्स के साथ ऑक्सीजन भी वहाँ पर स्प्रेड किया जाता है। बेड सरफेस जो होता है एरोबिक माइक्रोबियल फ्लोरा से जो होता है वो माइक्रोबियल फ्लोरा से जो होता है कंसिस्टिंग होता है, जिसमें माइक्रो एल्गी माइक्रो फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआंस सब वहाँ पर पाए जाते हैं। इफ्लुएंट सीप में एरोबिक माइक्रोब्स डाइजेशन करके डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और ट्रीटेड इफ्लुएंट जो होता है जिसको कि हम कलेक्ट करते हैं और सेडिमेंटेशन टैंक में फिर वापस भेजते हैं और एक्टिवेटेड स्लज के माध्यम से फिर वो टर्सरी कंपनी उसमें इस फिगर में यहाँ से एयर एंटर कराते हैं जिससे कि ऑक्सीजन पास होती है। ये बेड्स हैं जो कि स्टोन और ग्रेबल के बने हुए हैं। स्टोन और ग्रेबल के बेड्स के बीच में उसमें जो होते हैं बहुत सा माइक्रोबियल फ्लोरा डेवलप होता है, जिसमें कि बहुत से माइक्रो फंजाई माइक्रो एल्गी प्रोटोजोआंस और डाइएटम्स ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी सभी जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो कि माइक्रोबियल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीडाइज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो करते हैं और फिर ट्रीटेड सीवेज जो होता है इफ्लुएंट जो होता है इस पाइप के थ्रू बाहर इसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर द सीवेज इज जेंटली स्प्रेड ओवर द फिल्टर्स बेड्स एंड अलाउड द ट्रिकल डाउन थ्रू ए थिक लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल प्रिपेयर ओवर ए परफोरेटेड प्लेट एज इट मूव्स डाउन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन विच अकर इन डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन विच अकर इन डिफरेंट जोन्स ऑफ द फिल्टर बेड कॉज ऑक्सीडेशन और मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द लिक्विड। दीज गेंट फिल्टर आर कॉल्ड द ट्रिकलिंग फिल्टर। मैनी सच फिल्टर्स आर इक्विप्ड विद ए मीन्स ऑफ फोर्स कंप्रेस्ड एयर थ्रू पाइप्स अंडर द फिल्टर बेड। द एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इज बिटवीन द सैंड एंड द ग्रेवल पार्टिकल्स। दीज इंक्लूड्स वेरियस बैक्टीरिया ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी डाइएटम्स इन द अपर जोन्स वेयर प्लेंटी ऑफ लाइट इज अपलेबल। जहाँ पर कि अपर जोन जो होता है बेड का वहाँ पर बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होते हैं, जहाँ पर कि लाइट की बहुत अधिक अच्छी वो रहती है। और जो लेवर जोन होता है वहाँ पर फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआंस और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डेड और डिके करते हैं। पैसेज थ्रू द बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर्स ऑक्सीडाइज मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। इस प्रोसेस के थ्रू ट्रिकलिंग फिल्टर में जो होता है वेस्ट वाटर जो होता है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। लगभग 90% तक ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज या मिनरलाइज हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट के बाद जो होता है ट्रिकलिंग फिल्टर से वेस्ट वाटर जो होता है इसको फर्दर जो होता है ऑक्सीडेशन के लिए कई तरह के सीरीज उस टैंक में इसको करते हैं और बाद में इसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड के थ्रू होता है, इसको फिगर द्वारा क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद सेकेंड आता है
एरोबिक डाइजेशन में ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जो होते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है मेनली जो होता है स्मॉल कम्युनिटी या रूरल एरिया में जो है इसको यूज किया जाता है, जहाँ पे सुटेबल और सफिशियंट लैंड वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड को ही लैगून या फिर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, इसे लैगून या फिर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर जो लैगून होता है जनरली टू से लेकर 5 फिट डीप सैलो पॉन्ड होता है, जहाँ पर डेजिग्नेटेड टू द आलो डायरेक्ट विंड एक्शन द एल्गल ग्रोथ ऑन द सीवेज इफ्लुएंट ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एल्गल फोटोसिंथेसिस फुलफिल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज इफ्लुएंट एंड दज हेल्प मेंटेनिंग एरोबिक कंडीशन इन सीवेज इफ्लुएंट। इन सच कंडीशन द एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली एंड डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर जो होता है क्लोरेला पायरोनोइडोसा इज ए कॉमन एल्गल रिप्रेजेंटेटिव ग्रोन इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। क्लोरेला पायरोनोइडोसा जो होता है इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पाया जाता है, इसको लैगून या फिर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं, जहाँ पर कि गांव में या फिर स्मॉल कम्युनिटीज में रूरल एरियाज वगैरह में इस तरह के सफिशियंट लैंड जहाँ पर प्रेजेंट हों ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाए जाते हैं। 2 से 5 फिट तक डीप सैलो पॉन्ड बनाए जाते हैं और इसमें सीवेज इफ्लुएंट को डायरेक्ट जब डाला जाता है तो वहाँ पर एल्गल ग्रोथ जो होती है वहाँ पर विंड एक्शन के थ्रू वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, जिससे कि एयर जब होता है वहाँ पर तो वहाँ एल्गल जो होते हैं एल्गा वगैरह या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करती हैं और बीओडी क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जितना वाटर से ऑक्सीजन वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की मात्रा उस वाटर से लेती हैं वो कहलाता है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीवेज इफ्लुएंट का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जहाँ पर एरोबिक कंडीशन में सीवेज इफ्लुएंट जो होता है ऑक्सीडाइज किया जाता है। इस कंडीशन में जो है आसानी से जो है ऑर्गेनिक मैटर को, चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है और लाइट अच्छी होती है, जिससे कि एल्गा जो होते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और फिर उसको जो है ऑक्सीडाइज करते हैं और ट्रीटेड वाटर जो है यहाँ पर बेड्स के थ्रू जो है यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर या ऑक्सीजन जो है यहाँ से एंटर कराते हैं और वेस्ट वाटर यहाँ सेंटर होता है जहाँ पर माइक्रोबियल फ्लोरा पहले से होता है और ये माइक्रोबियल फ्लोरा में मेनली जो होता है जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पाया जाता है वो होता है क्लोरेला पायरोनोइडोसा, जो कि कॉमन एल्गा होता है जो कि इस ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करता है और इसे ऑक्सीडाइज करके ये जो है डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीटेड वेस्ट जो होता है ट्रीटेड वाटर जो होता है इस पाइप के थ्रू दूसरे सेडिमेंटेशन पॉन्ड में सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड आल्सो नोन एज एरिएशन टैंक। इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम एरिएशन टैंक भी कहते हैं। इन्वॉल्व्स स्लो पैसेज ऑफ वेस्ट वाटर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ लार्ज टैंक इन विच ए लार्ज नंबर एंड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। वेस्ट वाटर्स आर मिक्सड विद एक्टिवेटेड स्लज इन दीज टैंक्स। एक्टिवेटेड स्लज इज ए सॉलिड और सेमी सॉलिड सेडिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ पार्टिक्यूलेट मैटर इन वेस्ट वाटर्स। इट कंप्राइजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सीवेज। इट आल्सो इंक्लूड्स pathogenic organisms when dry it forms a dark colored powder 1 gram which contain as many as
10^14 बैक्टीरिया. द स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ माइक्रोब्स इन स्लज डिपेंड्स चीफली ऑन द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर्स. दीज माइक्रोब्स रैपिडली डिकम्पोज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, चूँकि एरिएशन टैंक भी इसे बोला जाता है, तो वेस्ट वाटर में जो होता है एक्टिवेटेड स्लज इफ्लुएंट, और इस टैंक में एक्टिवेट स्लज जो होता है सॉलिड सेमी सॉलिड सेडिमेंट्स के फॉर्म में पाया जाता है, जहाँ पर इन पार्टिकुलेट मैटर को वेस्ट वाटर को सेटलमेंट किया जाता है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में जो है बहुत सारे माइक्रोब्स भी सीवेज में इकट्ठा होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बहुत इसमें अगर सुखा करके डार्क कलर पाउडर बनाया जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं लगभग 10^14 तक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो माइक्रोब्स की जो होती है इसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, जो कि स्लज के डिकम्पोजिशन, स्लज के जो होता है किस टाइप का स्लज वहाँ पर इकट्ठा है उस वेस्ट वाटर में, जो माइक्रोबियल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो जो हैं ऑर्गेनिक मैटर को तेज़ी से डिकम्पोज करते हैं, जिसमें कि क्लोरेला पायरिनोसा मेन फंगस होता है, मेन एल्गा होता है जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है. यहाँ से ट्रीटेड वाटर जो है सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह में इकट्ठा किया जाता है, फिर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए फिर उन्हें भेजा जाता है. और इसमें जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसकी प्रोसेसिंग अलग से की जाती है. कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द बॉटम ऑफ द टैंक विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन. द लिक्विड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन टैंक इज देन टेकन आउट टू सेटलिंग टैंक्स वेयर एक्टिवेटेड स्लज एंड अदर पार्टिकुलेट मटीरियल इज अलाउड टू सेटल डाउन. इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड से, इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जहाँ पर कि एयर एंटर कराया जाता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है, और जहाँ पर माइक्रोब जो कि क्लोरेला पायरिनिडोसा टाइप के एल्गा जो होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद लिक्विड जो होता है ऑक्सीडेशन टैंक से फिर इनको जो होता है उसमें सेडिमेंटेशन टैंक में कलेक्ट किया जाता है, और सेटलिंग टैंक वगैरह में एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इन पार्टिकुलेट मैटर होता है उनको फिर सेटल किया जाता है. फिर एक्टिवेटेड स्लज की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है. एक्टिवेटेड स्लज में इन दिस प्रोसेस द मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज इफ्लुएंट, यानी कि सीवेज लिक्विड जो होता है, इट पम्प्ड इनटू द सेडिमेंटेशन और सेटलिंग टैंक वेयर इन द सीवेज फ्लॉक्स एंड सेटल्स आउट. ए बॉटम ऑफ सीवेज फ्लॉक्स इज रिटर्न टू एक्टिवेट ए न्यू बैच ऑफ मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज इफ्लुएंट एंड द रेस्ट इज पम्प्ड टू द एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर वेयर एयर इज ब्लोन बाई सेवरल जेट्स. दज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटीफुल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज इफ्लुएंट इज ब्रॉट अबाउट बाई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ द इफ्लुएंट इज पासेज थ्रू ए सेडिमेंटेशन टैंक. दो अबाउट 90% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द इफ्लुएंट इज डाइजेस्टर वाया दिस प्रोसेस द इफ्लुएंट स्टिल कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एक्सेट्रा. इट इज देयरफॉर नॉट सेफ टू डिस्चार्ज इफ्लुएंट एट दिस स्टेज इनटू ए लार्ज बॉडी ऑफ द वाटर एज बोथ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कैन काज यूट्रोफिकेशन. नाउ द इफ्लुएंट विच लुक्स क्लियर द एट दिस स्टेज इज सब्जेक्टेड टू टर्सरी या फाइनल ट्रीटमेंट फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन. यहाँ पर जो इस प्रोसेस में जो मैकेनिकली ट्रीटेड सीवेज था, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सीवेज इफ्लुएंट थे यानी कि सीवेज लिक्विड थे, वो सेडिमेंटेशन टैंक में या फिर सेटलिंग टैंक में इनको जो है पंप किया गया, और सीवेज फ्लॉक्स जो कि सीवेज के सॉलिड सेमी सॉलिड वो थे
वो सेटलेट्स आउट थे और इनको जो है सीवेज फ्लॉक्स को जो है फिर से एक्टिवेशन के लिए मैकेनिकली ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज इफ्लुएंट को फिर से एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में जो है इनको रखा गया, जहाँ पर कि स्लज डाइजेस्टर में बहुत सारे जेट्स के थ्रू जो है वहाँ पर एयर पास कराई जाती है और प्लेंटीफुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन सीवेज इफ्लुएंट और सीवेज स्लज का जो है ऑक्सीडेशन कराया जाता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करने पर ऑर्गेनिक मैटर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फॉर्म होता है, और यहाँ पर इफ्लुएंट जो होता है फिर इसके बाद इसको सेडिमेंटेशन टैंक में जो है पास कर दिया जाता है। लगभग 90% ऑर्गेनिक मैटर जो है इस इफ्लुएंट का डाइजेस्ट होता है इस प्रोसेस के थ्रू, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो है इन इफ्लुएंट्स को जो है अमाउंट में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रेट और फास्फेट होता है, जिसको कि हम मेन नेचुरल वाटर बॉडी या फिर हम कह सकते हैं वाटर रिजर्वायर वगैरह में डिस्चार्ज नहीं कर सकते इस रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं इसमें बहुत नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता होती है, और नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता होने पर यहाँ पर यूट्रोपिकेशन यानी कि जो डिकम्पोजर्स एल्गा वगैरह होते हैं, एल्गल ब्लूम बहुत तेज़ी से वो होता है, जिससे कि अगर इसको हम नेचुरल बॉडी में अगर नेचुरल बॉडी वाटर बॉडी में अगर इसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ पर यूट्रोपिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम बन जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन की बीओडी जो होती है काफ़ी बढ़ जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर की कम रह जाएगी। इसलिए हम इसकी जो है टर्सरी स्टेज में इस इफ्लुएंट्स को फिर हम क्लियर और साफ़ नाइट्रेट और फास्फेट से रहित करने के लिए इसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट या फाइनल ट्रीटमेंट के लिए बाद में दूसरे उसमें भेजते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है टू टाइप से करते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट और एनएरोबिक ट्रीटमेंट। एनएरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है इसमें जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का, वो ऑक्सीजन की कमी में होता है या फिर उसकी अब्सेंस में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं एनएरोबिक ट्रीटमेंट। एनएरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है, या इसको हम एनएरोबिक डाइजेशन कह सकते हैं स्लज का, एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज। इसमें स्लज कलेक्टेड करते हैं हम, द स्लज कलेक्टेड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सब्जेक्टेड टू एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन फ्री डाइजेशन इन सेपरेट टैंक डिजाइंड स्पेशली फॉर द पर्पस, सिंस एनएरोबिक कंडीशन prevail in this tank. The anaerobic microbes bring about digestion of organic matter by degrading them to soluble substances and gaseous products. Methane 60-70% तक निकलता है इसमें produce product बनता है, और carbon dioxide 20-30%. And smaller amount of hydrogen and nitrogen. This gas mixture can be used for operating power for the sewage plant or as a fuel. Recently, Municipal Corporation of Delhi has started supplying this gas mixture to about 100,000 people for cooking purposes. Is anaerobic digestion mein स्लज का जो करते हैं मेनली जो होता मैकेनिकल जो ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उससे जो प्राप्त होता है स्लज या इफ्लुएंट, उनको जो होता है एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं, एनएरोबिक डाइजेशन स्लज का करते हैं एक क्लोज्ड सेप्टिक टैंक वगैरह में। ये जो होता है स्पेशली ये टैंक डिजाइन किया जाता है इस पर कार्य को पूरा करने के लिए। यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में कुछ माइक्रोबियल फ्लोरा जो होते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंस में इसको चेंज करते हैं, जिसके साथ जो सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ गैसेस भी
गैसियस प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे मीथेन 60-70% बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड 20-30% तक बनता है, और कुछ स्मॉलर अमाउंट में जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी जो होता है प्रोड्यूस होता है। और इस गैस मिक्सचर को जो होता है सीवेज प्लांट में फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है, सीवेज पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, जो दिल्ली का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसकी सप्लाई, इस गैस मिक्सचर की सप्लाई जो है लगभग 100,000 लोगों को जो है कुकिंग पर्पसेस से करता है। तो इस जो सेप्टिक टैंक है इसमें जो है वेस्ट वाटर अंडर एंटर करता है और एनएरोबिक कंडीशन में यहाँ पर जो होता है डाइजेशन कंप्लीट करता है। तो एनएरोबिक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट अंडर कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन डिफ्लिक्ट और इट्स टोटल अब्सेंट, यानी कि इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनएरोबिक कंडीशन में यानी हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो करते हैं इस प्रोसेस को, और जिनको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है डिग्रेडेशन के लिए, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन करते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ गैसियस प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं जिनको कि सीवेज पावर प्लांट्स में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ने जो है इसको 100,000 लोगों को जो है कुकिंग पर्पसेस से जो है इस गैस को मिक्सर को सप्लाई भी किया है। तो मैनी ऑफ द कॉमन हेटरोट्रॉप्स ऑफ द सॉयल वाटर एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनएरोबिक्स आर फैकल्टेटिव एनएरोबिक्स। दीज माइक्रोब्स एक्टिंग टूगेदर possesses a remarkable capacity to decompose protein, fats, carbohydrates, cellulose, woody materials, phenols and many other complex substances. ये जो है protein को, fat को, carbohydrates, cellulose, woody material, phenols, इन सभी complex substances का ये जो है anaerobic microbes जो है इनका decomposition करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक डिग्रेडेशन आर रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अमोनिया के फॉर्म में, मीथेन के फॉर्म में एंड अदर सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्म में जो है इसको डिग्रेड कर देते हैं। इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक डिग्रेडेशन आर यूजफुल, यहाँ पर जो स्लज का जो होता है या स्लज सीवेज इफ्लुएंट वेस्ट वाटर का जो है एनएरोबिक डाइजेशन के थ्रू जो होता है यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि यूजफुल भी होते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड एल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन बाई एक्टिविटी ऑफ माइक्रोबिस अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस एंड सुटेबल सबस्ट्रेट्स। हाउएवर सीवेज इफ्लुएंट्स आर ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस डिजॉल्व सॉल्ट्स पार्टिक्यूलेट मटेरियल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। इस माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू जो होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक एसिड फिनॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं करते हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन वगैरह भी निकलता है, और कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इस सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इसमें सॉल्ट के फॉर्म में डिजॉल्व रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मीथेन इज ए नोटेबल एक्सेप्शन। इस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इस ऑर्गेनिक इफ्लुएंट में कोई भी ऐसा मैटर नहीं होता है जो कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट हो, केवल मीथेन को छोड़कर। इसकी जब प्रोसेसिंग होती है, डिकम्पोजिशन होता है, एनएरोबिक डाइजेशन होता है स्लज का, तो वहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये मिक्सचर ही केवल जो होता है, ये गैसेस ही केवल हमारे लिए यूजफुल होती हैं, बाकी इसमें कोई भी प्रोडक्ट यूजफुल नहीं होता है। ए कॉमन प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट कैन बी यूज एज ए चीप फ्यूल गैस एज इन डन
एट प्रेजेंट इन मैनी डोमेस्टिक establishments. इस गैस का यूज जो है बहुत सारे घरों में कुकिंग गैस के रूप में भी यूज किया जा सकता है. स्लज और सॉलिड मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इज एक्सीडिंगली रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इट कैन बी यूज्ड एज मैनुअर टू फर्टिलाइजर योर अवर फील्ड. इसमें जो स्लज का जो डिकम्पोजिशन करने के बाद जो भी डिकम्पोजिशन के बाद सॉल्युबल सब्सटेंसेस या जो सॉलिड सब्सटेंसेस बन निकलते हैं डिकम्पोजिशन से वो एनएरोबिक डाइजेशन के बाद वो जो होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में उसमें पाया जाता है और इनका जो है इफ्लुएंट्स वगैरह का जो स्लज होता है इनको जो है मैनुअर के रूप में या फर्टिलाइजर्स के रूप में फील्ड में यूज कर सकते हैं. सेप्टिक टैंक जो होता है इसको जो है यूज किया जाता है वेस्ट वाटर के एनएरोबिक ट्रीटमेंट के लिए. तो सेप्टिक टैंक्स आर एम्प्लॉयड फॉर एनएरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. ए सेप्टिक टैंक इज यूजुअली लार्ज इलोंगेट रिजर्वायर विद ए कर्व्ड और फनल लाइक बॉटम. सीवेज इज अलाउड टू फ्लो स्लोली थ्रू द टैंक. द स्लज प्रेसिपिटेट्स एंड सेटल्स एट द बॉटम. Lighter part of it rises to the surface to form of continuous floating layer. Rising gases trap sedimented particles and bring it to the surface where a thick crust develops. The oxygen supply from the atmosphere is cut off due to this crust of solid and semi-solid materials. The mass of wastewater moving in bottom. The upper crust and bottom sludge undergoes rapid decomposition under anaerobic conditions. The products of microbial activity accumulate in the middle layer. Much of the gaseous material produced is methane, ammonia, hydrogen sulfide, etc. which slowly escape to the atmosphere through the upper crust and the small turns foul. यहाँ पर जो septic tank है इसमें वेस्ट वाटर को अंदर एंटर कराते हैं क्योंकि anaerobic condition में जो microbes, heterotrophs वहाँ पर होते हैं इनको decompose करते हैं और इनको soluble form में convert करते हैं, soluble substances में convert करते हैं. उसके साथ साथ कुछ gases release होती है. इसमें जब वेस्ट वाटर यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर जो सरफेस लेयर होती है जो लाइटर पार्ट होते हैं वहाँ पर सरफेस लेयर पर आकर के ऊपर जो होते हैं घेर लेते हैं और जो हैवियर पार्ट्स होते हैं वो नीचे डिकम्पोजिशन के उसमें आ जाते हैं. इसमें जो होता है ऊपर जो क्रस्ट बन जाता है जिसकी वजह से कि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ने पाती है, जिससे कि लाइट ना पड़ने से एनएरोबिक कंडीशन में यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन होकर के यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया वगैरह रिलीज होती हैं. इन गैसेस को जो है दूसरे फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है या वाटर सीवेज वाटर प्लांट वगैरह के ट्रीटमेंट वगैरह में फ्यूल के रूप में इनका यूज कर लिया जाता है. और चूँकि इस वाटर में जो होता है जो मिडिल लेयर होती है इसका फिर से जो है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है. नीचे जो माइक्रोफ्लोरा में माइक्रोबियल एक्टिविटी लगातार चलती रहती है और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती रहती है और इन्फ्लुएंस जो भी इससे मटेरियल डिकम्पोजिशन के बाद सॉल्युबल मटेरियल या गैसेस रिलीज होती हैं इनको जो है दूसरे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है फिर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है. इसमें केवल और जब यहाँ पर मिडिल लेयर जो थी अपर लेयर क्रस्ट वगैरह से पूरी तरह से घेर लेती है जिससे कि टम जो है इसको लाइट नहीं मिलने पाती है जिससे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस और भी तेज हो जाती है एनएरोबिक कंडीशन में और मिडिल लेयर का जो इफ्लुएंट होता है इस टैंक के थ्रू बाहर निकलता जाता है और अपर और बॉटम लेयर यहाँ पर जो है लगातार डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चलती रहती है सेप्टिक टैंक में. और इसके बाद जो होता है और जब ये गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया
मीथेन के रूप में गैसेस फॉर्म गैसेस प्रोड्यूस होती है, तब इसमें स्मेल जो होती है फॉल के फॉर्म में आ जाती है। आफ्टर पैसेज थ्रू द सेप्टिक टैंक विच मे टेक फ्यू डेज टू ए वीक द लिक्विड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द मिडिल लेयर ऑफ द टैंक। जो लिक्विड होता है केवल मिडिल लेयर में ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि अपर लेयर क्रस्ट हो जाती है और जो बॉटम लेयर होती है वहाँ पर जो होती है बॉटम लेयर में सेडिमेंट्स वगैरह के रूप में क्रस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो द लिक्विड इज डाउन आउट फ्रॉम द मिडिल लेयर्स ऑफ द टैंक, दिस लीव्स बैक द अपर क्रस्ट एंड द बॉटम सेडिमेंट इन द टैंक। नीचे का और सबसे ऊपर का छोड़ दिया जाता है और बीच का जो है मिडिल लेयर जो होती है इसको दूसरे उसमें टैंक में ले लिया जाता है, क्योंकि वो ट्रीटेड वाटर होता है। और वेस्ट वाटर फ्रॉम इट सेप्टिक टैंक आर सब्जेक्टेड टू फर्दर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए फिर इनको यूज किया जाता है। द सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्लज इज लेफ्ट इन द सेप्टिक टैंक। जो सेमी सॉलिड और सॉलिड मटेरियल होता है स्लज का वो सेप्टिक टैंक में ही छोड़ दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि अपर क्रस्ट और सबसे लोअर जो होता है उस स्लज को नीचे ही छोड़ दिया जाता है, केवल मिडिल लेयर को दूसरे टैंक में ले लिया जाता है। इट इज़ रिटेन्ड इन द टैंक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और इस टैंक को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड मच ऑफ इट इज डिकम्पोज एंड इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। लंबे समय के बाद जो सेप्टिक टैंक में अपर क्रस्ट और नीचे का जो लेयर होता है सेडिमेंट का वो जो होता है धीरे धीरे जो है रिड्यूस्ड होता है, डिकम्पोज्ड होने लगता है, और वहाँ पर डिकम्पोजिशन के बाद स्लज की मात्रा बहुत ही कम बच जाती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इंटायर डिकम्पोजिशन मॉस शुड बी पीरियोडिकली। यानी कि वहाँ पर जब लंबे समय तक टैंक को वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो अपर क्रस्ट और जो बेसिक जो सेडिमेंट्स होते हैं बॉटम में क्रस्ट होते हैं वो जो है धीरे धीरे मिनरलाइजेशन या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर के बहुत ही कम मात्रा हो जाती है और वो जो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है पीरियोडिकली डिकम्पोजिशन की लगातार चलती रहती है। फिर इनको क्या करते हैं, उस जो सेडिमेंट जो सेप्टिक टैंक है वहाँ पर स्टार्ट करते हैं, उसको हिलाते हैं और डाइल्यूट करते हैं उसमें फ्रेश सीवेज डाल करके, और फिर जो है वहाँ पर ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है। चूँकि क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स सिस्ट एक्स हेलमिंथीज आर प्रेजेंट इन द बॉटम स्लज, चूँकि उसमें पहले से काफ़ी लंबे समय से उस वहाँ पर क्रस्ट में स्लज पड़ा हुआ है, तो उस स्लज को जब हम डाइल्यूट करते हैं फ्रेश सीवेज डाल करके तो वहाँ पर उसको हिलाते हैं तो वहाँ पर लार्ज नंबर में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं उनके, सिस्ट होते हैं, एक्स होते हैं हेलमिंथीज वगैरह के, जो कि इस बॉटम स्लज में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए जो बॉटम स्लज होता है ये प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह के लिए फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज नहीं होने पाता है, और प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए रिच तो होता है इसमें फर्टिलाइजर, पर ये उनको यूज में नहीं आता क्योंकि वहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स सिस्ट वगैरह भी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं जो कि प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं। फिर जो है ये फाउल स्मेलिंग गैसेस जो होती हैं इनको वाटर सील पाइप्स के थ्रू जो होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, और लिक्विड को कलेक्ट कर लिया जाता है थर्ड चैम्बर में फ्लो आउट किया जाता है और इसको लास्ट आउटलेट में डाल दिया जाता है। द वाटर अटेंड द ऑर्डर टू रिच मिनरल न्यूट्रिएंट एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, चूँकि इसमें इस वाटर में जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एनएरोबिक डाइजेशन होता है स्लज का, वहाँ पर जो होते सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें और इफ्लुएंट जो होते हैं उसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया जैसे गैसेस तो निकलती हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर
उस में मिनरल न्यूट्रिएंट भी अधिक मात्रा में होते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी उस जो है वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनका जो है टर्सरी ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है। तो इस चैम्बर्स में जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में होता है, इनको सुखा करके जो फाइनली होता है फील्ड में फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है और इस प्रोसेस के बाद जो गैसियस मिक्सचर निकलता है उसे जो है सीवेज पावर प्लांट्स में फ्यूल के रूप में या फिर घरों में जो होता है सप्लाई की जाती है कुकिंग गैस के रूप में यूज कर लिया जाता है। इसके बाद चूँकि इस वाटर में ये जो ट्रीटेड वाटर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एरोबिक या एनएरोबिक कंडीशन के से एनएरोबिक या एरोबिक डाइजेशन के बाद स्लज का जो ट्रीटेड वाटर निकलता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वगैरह रहता है और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, इसलिए उनका टर्सरी या फाइनल ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया और उन्हें मेन रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर या वाटर बॉडीज में अगर डिफ्यूज कर दिया गया तो वहाँ पर जो है ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस और बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से वो वाटर जो होता है पॉल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए इसका टर्सरी या फाइनल ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। फाइनल ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिंस द सीवेज इफ्लुएंट ट्रीटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टिल कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इफ सीवेज कंटेन जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह होते हैं एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सॉल्ट्स इट इज सब्जेक्टेड टू टर्सरी और फाइनल ट्रीटमेंट फॉर दियर रिमूवल। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉल्ट वगैरह के रिमूवल के लिए टर्सरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज नॉट सो द सीवेज इफ्लुएंट कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सॉल्ट कैन काज सीरियस यूट्रोफिकेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक रहेगी तो वहाँ पर जो होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो है वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होगी जिससे कि डीकम्पोजिशन करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गा वहाँ पर अधिक मात्रा में डेवलप होंगे, एल्गल ब्लूम बना लेंगे जिससे कि वाटर का जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाएगा, बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी, वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर नॉर्मली रिमूव्ड बाय यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स वेयर एज फास्फोरस एंड नाइट्रोजन साल्ट्स बाय केमिकल ट्रीटेड। नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट को केमिकली ट्रीट किया जाता है और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को फास्फोरस साल्ट और प्रेसिपिटेटेड बाय लाइमिंग एंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट मेनली एज अमोनिया इज रिमूव्ड बाई द वोलाटाइलाइजेशन यानी कि विग्रस एरिएशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर एट ए हाई पीएच। बहुत अधिक पीएच पर जो होता है इनको अधिक टेम्परेचर दे करके वोलाटाइलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट को रिमूव किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट से जो होता है हाई क्वालिटी इफ्लुएंट जो होता है वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और फाइनल स्टेप में टर्सरी ट्रीटमेंट के डिसइंफेक्शन विच इज कॉमनली एकॉम्प्लिश्ड बाय क्लोरीनेशन यूजिंग आइदर सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरीन। नाउ द इफ्लुएंट इज ए क्लीन वाटर एंड इज कंसिडर्ड माइक्रोबियोलॉजिकली सेफ इवन द ह्यूमन कंजप्शन। टर्सरी ट्रीटमेंट में हाई टेम्परेचर हाई पीएच देकर वोलाटाइलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा नाइट्रोजन फास्फोरस को रिमूव किया जाता है और डिसइंफेक्शन के लिए उसमें क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है जो कि सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर क्लोरीन के द्वारा की जाती है। इस प्रोसेस के करने के बाद ये वाटर जो होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ हो जाता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस को हम सीवेज ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसेस फिगर द्वारा समझाएंगे। जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है रॉ सीवेज
के रूप में ग्रिट चैम्बर में लाया जाता है, और फिर उसको जो है ग्रिट चैम्बर में ग्रिटिंग करके जहाँ पर कि जो होता है सैंड ग्रेवल स्टोन वगैरह होता है, तो ग्रिटिंग करके फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है, जहाँ पर कि जो हैवी स्लज वगैरह होता है नीचे बैठ जाता है, ऊपर से ट्रीटेड वाटर को जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये पहली प्रोसेस जो है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की है, जो कि पूरी तरह से मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है प्रोसेस, ये दो फेज में होता है, एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एक जो वो ये है एरोबिक फेज है, दूसरा है एनएरोबिक फेज, दोनों फेजों में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एरोबिक फेज में करते हैं सीवेज इफ्लुएंट लिक्विड फॉर्म में जो आता है, इनको सेडिमेंटेशन टैंक में लाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में इनका एरोबिक डाइजेशन होता है, जो कि रिमेनिंग स्लज को इफ्लुएंट को जो है ये एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के थ्रू और ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू या ऑक्सीडेशन पॉन्ड के थ्रू जो होता है इनको जो होता है एरोबिक डाइजेशन स्लज का किया जाता है, जिससे कि एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पर एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंसेस और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही दूसरा फेज होता है एनएरोबिक फेज, एनएरोबिक फेज में सॉलिड स्लज को लेते हैं और सॉलिड स्लज को जो है एनएरोबिक डाइजेशन के थ्रू यहाँ पर हेटरोट्रॉफ्स या एनएरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो एनएरोबिक डाइजेशन टैंक में इनका जो है एनएरोबिक माइक्रोब्स के थ्रू जो होता है ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर का करते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंसेस के रूप में इनको कन्वर्ट करते हैं और कुछ गैस मिक्सर जैसे कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। इन गैस मिक्सचर को जो है सीवेज प्लांट वगैरह में फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है और इस पूरे उससे जो है प्रोसेस से सेकेंडरी प्रोसेस के बाद जो इफ्लुएंट मिलता है इनको फिर जो है टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। टर्सरी या फाइनल ट्रीटमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि नाइट्रेट और फास्फेट को जो है रिमूव करने के लिए वोलेटाइलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई पीएच पर किया जाता है। उसके बाद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है, जो कि क्लोरीन वगैरह के थ्रू किया जाता है। फिर जो है ये क्लीन वाटर जो है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ वाटर के रूप में पूरी तरह से ट्रीट वाटर पाया जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।